नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे का ऐसा कौन सा रूट है जहां पर मालगाड़ियों की रफ्तार जो है सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि भारतीय रेलवे के कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर मालगाड़ियों की जो स्पीड है वह पैसेंजर ट्रेन से भी ज़्यादा है। आखिर भारतीय रेलवे ऐसा क्यों की है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है। दोस्तों होता क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वह गुड्स ट्रेन से प्राप्त होती है। तो रेलवे जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे रूट जहां पर रेलवे को ज्यादा रेवेन्यू मिल रही है, रेलवे यही सोचेगी कि जो भी कस्टमर का उसमें सामान हो वह सही समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंच सके, जिससे यहां पर अधिक से अधिक लोग अपने सामान को उसमें लोड कराएं। अगर कोई भी डिले होगा तो जो भी कस्टमर होंगे वह यहां पर या तो कंप्लेन करेंगे या फिर सामान को भेजना बंद कर देंगे। तो दोस्तों इन चीजों को देखते हुए भारतीय रेलवे यहां पर गुड्स ट्रेनों को ज्यादा वरीयता देती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। अगर हम बात करें एक पैसेंजर ट्रेन की, तो लगभग आप देखेंगे किसी भी रूट पर जो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं उनकी एवरेज स्पीड, अगर हम राजधानी शताब्दी को छोड़ दें, तो वह लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक होती है, या कहीं कहीं तो 45 किलोमीटर पर आवर भी होती है, जो कि एक एवरेज स्पीड होती है। लेकिन अगर बात करें भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर मंडल में, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर गुड्स ट्रेनों की जो एवरेज स्पीड है वह एक सेक्शन पर 57 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा सेक्शन जो कि यहाँ पर बीना कोटा इटारसी बीना या बीना भोपाल मंडल है, यहाँ पर जो है गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, जो कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन से भी अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है गुड्स ट्रेनों की यहाँ पर जो रफ्तार है इतनी अधिक रखी गई है, और ये एवरेज स्पीड है, इससे अधिक स्पीड में यहाँ पर चलती होंगी। दोस्तों यहाँ पर रेलवे का कहना यह है कि इसमें जिनका भी सामान जा रहा है वह सही समय पर पहुँच सके, जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स ट्रेनों को लोड किया जाए और लोग जो है अपने सामान, चूँकि सही समय पर पहुँचेगी तो अधिक से अधिक रेलवे को बुकिंग होगी, जिससे अधिक से अधिक यहाँ पर रेलवे को जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर गुड्स ट्रेनों की स्पीड 57 किलोमीटर, और इस रूट पर जो कि आप देख सकते हैं इटारसी बीना या फिर बीना कोटा या बीना भोपाल पर 75 किलोमीटर पर आवर तक रखी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो स्पीड है पूरे इंडियन रेलवे के गुड्स ट्रेनों की सबसे अधिक एवरेज स्पीड है, यानी कि इसी रूट पर सबसे अधिक जो है स्पीड में मालगाड़ियाँ चलती हैं। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।